मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलवाद पर हाई लेवल मीटिंग ली। बैठक के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में अब नक्सलवाद के खिलाफ चल रहे अभियान को और तेज किया जाएगा। जब से हमारी सरकार आई है, नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई मजबूत हुई है। सुकमा जिले में हम मजबूती से लड़ाई लड़े और आगे भी लड़ेंगे। छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद जरूर खत्म होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में माओवाद आतंक के खात्मे के लिए बीते 1-1.5 माह से संचालित अभियान के चलते नक्सली बौखला गए हैं और इसी के चलते हमारे सुरक्षा बलों के जवानों पर घात लगाकर कायराना हमला कर रहे हैं। हमारे जवानों के ऊपर नक्सलियों का अचानक हमला हुआ, गोलीबारी हुई और हमारे जवान भी मजबूती के साथ उनके साथ लड़ाई लड़े, फिर भी हमारे 3 जवान शहीद हुए। सबसे पहले तो हम तीनों जवान के शहादत को नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और 14 जवान घायल हुए, जिसमें से जो ज़्यादा इंजोर्ड थे 8 जवानों को एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया गया और रायपुर के दोनों अस्पताल बालाजी और नारायणा, उसमें 4-4 हमारे घायल जवान एडमिट हैं, जिनको हम कल रात को ही देखने गए थे, उनसे मुलाकात किए। हमारे गृह मंत्री जी भी थे और सभी सुरक्षित हैं, मतलब खतरे से बाहर हैं, जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। लेकिन ये जब से हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में आई है, तब से नक्सलवाद के साथ लड़ाई मजबूत हुआ है और इसका बौखलाहट नक्सलियों में है, इसलिए कायराना हरकत कर रहे हैं। लेकिन हमारे जवान बिल्कुल भी निराश नहीं हैं, कल मजबूती के साथ लड़ाई लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ से नक्सलवाद समाप्त होगा। जब से यहाँ पर हमारी सरकार बनी है, तब से लगातार लड़ाई मजबूत हो रही है, लगातार फोर्सेस आ रहे हैं और लगातार नए कैंप स्थापित हो रहे हैं। अभी जब से हमारी सरकार आई है, काफ़ी नए नए कैंप लग रहे हैं और आगे भी लगते जाएंगे। आज के बैठक में हमारे गृह मंत्री भी थे, CS थे, DG थे और अधिकारी थे और उसमें यही तय हुआ कि जो सुरक्षा कैंप अभी लगातार नए नए स्थापित हो रहे हैं, और सुरक्षा कैंप मतलब आसपास के जो गांव हैं, वहां के जो लोग हैं, उनको बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराना, उनके बसाहट तक रोड बने, उनका पक्का का घर बने, उनके घरों में बिजली पहुंचे, पानी पहुंचे, गैस का सिलेंडर पहुंचे, राशन पहुंचे, मतलब सुरक्षा कैंप स्थापित होने का ये मतलब है। लेकिन शायद नक्सलियों को ये भी मतलब अच्छा नहीं लगता है कि गरीबों के पास सरकार की ये सब सुख सुविधाएँ पहुँचे और इस तरह से सुरक्षा कैंप का लोग विरोध करते हैं। लेकिन हमारे जवान बिल्कुल भी हतोत्साहित नहीं हैं और सरकार पूरी तरह से उनके साथ में है और मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। पिछली सरकार गंभीरता से नक्सलवाद के साथ लड़ाई नहीं लड़ी और इसी का परिणाम है कि आज इनका हौसला बुलंद हुआ है।